ये बस ठंड है, बाकी इतना ठंड नहीं है। है, ठंड है। फिर नेटवर्क इश्यूज भी तो हो जाते हैं, लाइक ठंड हो जाती है तो नेटवर्क इश्यू भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सभी एरिया में। मैम जब बर्फ पड़ती है ना तभी बस ये थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू हो जाता है ना, ऐसे नहीं होता अगर बारिश के टाइम पे नहीं होता है, पर बर्फ के टाइम पे हो जाता है, उतारों पे बर्फ ठहर हाँ जाता है ना, वही वही वही, इसीलिए इसलिए तो इसलिए। एक्चुअली थोड़ा सा हो जाता होगा प्रॉब्लम, समझ रहे हैं। अरे पूछ रही थी मतलब अपनी कलीग से, छुट्टी है क्या? अरे स्टूडेंट क्या बात है, सब मतलब मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? लाइक जैसे हमारी आरबी लोग गई थी मेला देखने के लिए, आप सब भी मेला देखने गए क्या? देख के आ चुके हो? ये यहाँ पे घर पे बैठे थे, मस्ती मार रहे थे, आराम से खा रहे थे पी रहे थे। ओके हम तो घर में ही थे। नो कोई कहीं नहीं गया? मैम, नहीं गए क्यों? जान रंगा से इतना रोड ब्लॉक थी। अच्छा रोड ब्लॉक थी तो आप निकल, आप कैसे चले गए फिर? आपके वहां नहीं है क्या ये बर्फबारी? कैसे मेले में घूम के आए हो? है मैं यस मैम, कह रही हूँ आपके वहां नहीं है क्या ये मतलब बर्फ और वगैरह की ये लोग, आपके वहां नहीं है? अरे नो मैम, क्या बात है, मीन्स लिमिटेड एरियाज में है क्या? यस मैम, वो आईफोन के पूरे हिमाचल में पड़ रही है बर्फ। नो मैम, अच्छा देखो किस एरिया में पड़ रही है, बच्चे में फिर तो जिन एरिया में बर्फ पड़ रही होगी वहां पर, जहां पे नहीं पड़ रही होगी वो लोग देखने जाते रहेंगे, घूमने जाते होंगे। देखो हमारे तो पूरे ना तो यूपी में पड़ती है और ना पूरे हरियाणा में पड़ती है, कहीं नहीं पड़ती, कुछ नहीं होता, सूखे में रहते हैं हम लोग तो। पहले ना आज हम फर्स्ट यूनिट रिवाइज करें, ठीक है ना? ठीक वो मैं बताऊंगी, एंड आफ्टर दैट हम PYQ करेंगे ताकि आप लोगों को कल क्या वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? है, यस हाँ मैम, चलो चलो, गिव मी अ सेकंड। आज मैं भी बाहर गई हुई थी, अभी बस 4 बजे आई थी, फिर 4 बजे से यही है विद अ हैवी हेडेक, परेशान हो रखे हैं सुबह से, दवाई ली तब जाके अपना काम करना शुरू किया। मैम सेम बिल्कुल। बिल्कुल सेम। मैम की कॉपी कर रही है? हाँ मैम को कॉपी करती है। चलो पापा, छोटे बच्चे बोलते हैं ना पापा, कितने प्यारे लगते हैं ना पापा। अच्छा चलो शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से, अब पता ही है भैया इतना तो सबको पता होता है केमिस्ट्री क्या होती है ना? ये क्या होते हैं, ये स्टडी होती है लाइक कंपोजिशन की, है ना? लाइक इंटरेक्शन ऑफ मैटर, मैटर कैसे इंटरेक्ट करता है हमारे डेली लाइफ में, तो वो केमिस्ट्री होती है ना? केमिस्ट्री क्या होती है, लाइक हम एंशियंट इजिप्शियन पीरियड में वर्ड होता था लाइक केमिया, ठीक है? उसका उसका मीनिंग होता था ट्रांसमुटेशन ऑफ अर्थ, लाइक
साइंस ऑफ मैटर, द एटॉमिक टू द मॉलिक्यूल, द स्केल करना, डील करना, प्राइमरी विद द कलेक्शन ऑफ एटम, ठीक है, एक तो जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, मेटल्स हो गए, तो वो होता था केमिस्ट्री। अब हमारी केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है? लाइक फर्स्ट होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री क्या बताती है? फिजिकल हमें बताती है कि किसी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज क्या है, किस चीज पे हमारा वो सब्सटेंस डिपेंडेंट है ना, वो बताता है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताती है हमको? स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। वो क्या होते हैं? जैसे हमारे कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, है ना, वो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे हम स्टडी करते हैं लाइक कॉम्पोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसी इसीलिए हम जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसीलिए उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री से कैसे डील करती है? देन बिहेवियर ऑफ कॉम्पोजिशन कॉम्पोनेंट, ठीक है, कैसा बिहेव कर रहा है, केमिकल प्रोसेस क्या है लिविंग बींग का, उसे बोलते हैं बायो केमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? जो डील करती है सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटीज की, डिटरमाइन करने के लिए उसका मतलब कितनी क्वांटिटी में है ना, मतलब बैलेंसिंग देखने के लिए, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है हमारा? बेसिकली हमारे मैटर क्या होते हैं? थ्री स्टेट में होते हैं ना, है ना, हाँ, यस मैम, सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस, है ना, इन तीन फॉर्म में होता है। सॉलिड क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए सॉलिड बोला गया उनको। लिक्विड लाइक उनके बीच में थोड़ा सा माइनर सा स्पेस होता है, इसीलिए लिक्विड होता है। और उनके क्या होते हैं? कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इनका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। और गैस क्या होते हैं? देर इज नो डेफिनेट शेप, है ना, ना ही कोई वॉल्यूम होता है, इसीलिए उनको गैस बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है लाइक मैटर को और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में, है ना, प्योर सब्सटेंस में। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर हमारा दो तरह का होता था, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना। तो होमोजेनियस किस में होता था? जिसमें हमारे, जिसमें होमोजेनियस में जिसमें हमारे बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाते थे एक दूसरे के साथ। जैसे हमने सुगर सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया, वो हो जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या हो गए? जिन्हें जो हम क्या कर सकते हैं, सेम कॉम्पोजिशन नहीं होता थ्रू आउट द कॉम्पोनेंट। जैसे हमने लाइक सैंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सैंड एंड वाटर कर लिया, है ना, स्टोन एंड वाटर कर दिया, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। अब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो मिक्सचर क्या, कंपाउंड, हाँ ठीक है, जिसमें क्या होते हैं इन एनी रेशियो एंड इट्स कंपोजिशन इन वैल्यू। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। सिल्वर है ना, कॉपर, ये क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस, कोई मिलावट नहीं होती है, ठीक है। अभी से प्योर सब्सटेंस में हमारा आता है, एक आता है एलिमेंट और दूसरे आते हैं हमारे कंपाउंड, है ना, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? जिसमें सिर्फ वन टाइप का पार्टिकल होता है, वन एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या हो गए? सिल्वर होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बिल्कुल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो उसमें क्या हो गई? ये हमारी क्या हो गई? एलिमेंट। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब हम टू और मोर एटम को कंबाइन करते हैं, उससे क्या बनता है हमारा? मॉलिक्यूल, है ना, टू और मोर एटम से क्या बनता है हमारा? मॉलिक्यूल। और कंपाउंड टू कंपाउंड जब हमारा क्या होता है? एक डिफरेंट रेशियो और डिफरेंट मास में हम क्या करते हैं? किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? अमोनिया, इसमें क्या है? है ना, नाइट्रोजन वन है, 1:3 में, है ना, NH3 हो गया। वाटर हो गया 2:1 में, है ना, यहाँ पर वैसे तो इसकी दूसरी रेशियो होती है, ठीक है ना, 1:8 होता है, लेकिन स्टिल मैं भी सिर्फ उनके कंपाउंड के बारे में बता रही हूँ। तो ये क्या हो गए मेरे? कंपाउंड, ठीक है ना। अब स्टेट ऑफ मैटर, ये भी आप लोगों को पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा चलो, अब बात करते हैं हमारी लाइक मेजरिंग, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट होती है। कौन कौन सी 7 SI यूनिट्स होती हैं? बस वही बता दो, कौन कौन सी होती हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, पूरी क्लास कहेगी मैम बस लीना को ही पढ़ाती है।
लीना, लीना के अलावा भी कोई बोल लिया करो प्लीज। लीना थोड़ा सा अपने आप को बैक साइड भी कर लिया करो बेटा, ताकि ओके लोग भी बोल ले, ठीक मैम, है? ठीक है हाँ। तो ये क्या है? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मेरे को इनकी एसआई मतलब यूनिट कौन बताएगा? चलो नेम तो मैंने बता दी, एक्चुअली लीना ने बता दिया, तो सलोनी आप बता सकते हो? लीना तू अब चुप रहे। यस मैम। हाँ सलोनी टाइम को कैसे मेजर करते हैं? टाइम क्या है? एसआई यूनिट, इसकी यूनिट क्या है? नेम बताओ, टाइम का यूनिट क्या है? मैम मैम टाइम का सेकंड सेकंड वेरी गुड मार्क्स आप। हाँ बोल दीजा, जैसे लीना ने बोला ना सारे ऐसे बोलते रहा। मार्क्स का किलोग्राम मैम, एच लेंथ का मीटर वेरी कैल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट एमपी एम्पियर ठीक है, और लाइट इंटेंसिटी लाइक और एम्पियर डेला लाइक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड लाइट इंटेंसिटी हमारी क्या थी? कैंडेला या फिर ल्यूमिनेट इंटेंसिटी है ना? ठीक है चलो वेरी गुड। अब डेराइव्ड यूनिट कौन कौन सी थी? अब डेराइव्ड यूनिट बताएगी मेरे को करिश्मा। यस करिश्मा, डेराइव्ड यूनिट क्या थी हमारी? करिश्मा नहीं सुनाई दे रहा है, तो आंचल। आंचल आंचल कैन यू हियर मी? यस मैम, हाँ डेराइव यूनिट क्यों बोलते हैं इनको, पहले बताओ जल्दी। गिवन क्योंकि उनको हमने बेसिक यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनाया था है ना, इसीलिए उनको डेराइव यूनिट मीन्स उनसे जो हमारी बेसिक एसआई यूनिट थी उनसे हमने डेराइव करके बनाया था। ठीक है, जैसे हमारी वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं हम कैसे? वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से, है ना? है ना? यस तो मैम, इसीलिए यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर मीटर। टाइम की होती है तो सेकेंड होती है, तो ये क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, है ना? तो ये क्या होगी? वेलोसिटी की हमने डेराइव कर ली है ना, तो ये होती है हमारी डेराइव्ड यूनिट। अब जैसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम क्या क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ इनटू इनटू हाइट। ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ ब्रेथ हाइट सब मीटर में होती है, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, तो ये हो जाएगी मेरी मीटर क्यूब, है ना? अब मैंने बोला जैसे एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ लेंथ इनटू में, लेंथ इनटू में ब्रेथ ब्रेथ, ब्रेथ नहीं होता तो ब्रेथ इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ब्रेथ है ना? अब मैंने बोला स्पीड, स्पीड की क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, दिखे ना, इन पर यूनिट टाइम, इसमें तो उसे क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड बोल देंगे, है ना? अब मैंने बोला जैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या होती है? एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा? वेलोसिटी वेलोसिटी बनता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बनता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, यस स्पीड चेंज, जो हमारी स्पीड में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, राइट? तो उसे क्या लिखते हैं हम? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन तो फिर क्या हो जाएगी मेरी एक्सेलरेशन, है ना? क्या हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। अब मेरी से कुछ स्टैंडर्ड प्रिफिक्सेस यूज करे थे मैंने, करे थे, याद है आप लोगों को? कौन बताएगा? 10^-1 इसको क्या बोलते थे? हाँ एमडेसी मैंने बोला था जो छोटी है वो जो लाइक मिनिमम है माइनस में जा रही है वो ई से जाएंगी, लाइक डेसी सेंटी मिली माइक्रो, है ना? और जो हमारी वो हमारी क्या होती है, जो हमारी पॉजिटिव होती है उनमें आ लग जाता है, लाइक डेका हेका हेटा केला किलो मेगा गीगा, है ना? तो 10^-1 हमारी डेसी, 10^-2 मेरी सेंटी, है ना? 10^-3 क्या होती है मेरी मिली, मिली अब यहाँ से डबल हो अब यहाँ जाएगा, से डबल हो जाएगा। 10^-1 कशिश प्लीज थोड़ा सा क्लिप बंद कर लो, म्यूट कर लो बेटा, मेरी इको हो रही है वॉइस, ठीक है? अब इसका भी क्या हो जाएगा? 10^-9 क्या हो जाएगा मेरा? नैनो। 10^-12 हेलो हो जाएगा पीको।
10^-15 को क्या बोलते थे? फैम्टो. तो 10^-18 को क्या बोलते थे? अटो. अटो ये हो गए मेरे माइनस वाले. अब 10^+1 इसको क्या बोलते थे? एक डेटा टेट्रा. ठीक है. 10^+2 को हेक्टा. हेक्टा देन 10^-3 को मैं क्या बोलती थी? किलो. थाउजेंड होता था ना, है ना, किलो. यस मैम. देन 10^6 क्या है मेरा? मेगा. 10^9 क्या होगा मेरा? गीगा. वाह. 10^12 क्या था मेरा? टेरा. टेरा पेरा. बाइट ना. 10^15 पेटा पेरा. बाइट. पेरा. 10^18 एक्सा. एग्जावाइट. ठीक है. अच्छा, यस इसके मैम. बाद मैं पढ़ा था, इसके बाद बताया था मैंने प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. तो क्या डिफरेंस था मेरा प्रिसीजन और एक्यूरेसी में? कौन बताएगा मुझको? प्रिसीजन बताता था लाइक क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट डन बाय द सेम क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन. जैसे मेरी वैल्यू 10 में से मेरी आई 9.1, 10 में से मेरी वैल्यू आई 9.8, ये क्या है मेरा? प्रिसीजन. ठीक है. मींस जो एक्यूरेसी है उसके बिल्कुल क्लोजनेस. ठीक है ना. बट वो एक्यूरेट नहीं है. एक्यूरेसी जैसे 10/10 हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट, है ना. तो मैम. एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ सब्जेक्टेड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू. ठीक है ना. बिल्कुल जो वैल्यू आ जो वैल्यू थी बिल्कुल वही वैल्यू आई, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. प्रिसीजन मीन्स उसके क्लोज है पर ट्रू नहीं है, है ना. मैम. दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन. ठीक है ना. अब और क्या होते हैं? अब हमारा क्या था? अब मैंने बोला था मास एंड वेट. मास एंड वेट इसमें क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मैटर ठीक है. और वेट. एम और वेट. इट इज द फोर्स एवर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. ये मास इज जो हमारी कॉन्स्टेंट क्या विथ वैल्यू होती है, फ्रॉम प्लेस टू लाइक जो प्लेस. वेट होता है, वेट होता है वो हमारी एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी होती है ना. फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड वेट. और मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है. जो वेट होता है वो वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी. बट हमारा जो क्या होता है, मास क्या होता है? रिमेन सेम. जिस मान लो एक आदमी का जो मास है जो अर्थ पर है वही मून पर होगा, लेकिन वेट क्या होगा? वेट हमारा चेंज होगा है हो जाएगा जस्ट बिकॉज कि ग्रेविटी हमारी जो अर्थ पर अलग है और मून पर अलग है ना. तो वेट क्या है? हमारा ग्रेविटी पे डिपेंडेंट होती है. नेक्स्ट क्या मेरा? वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या था मेरा? वॉल्यूम क्या था? जो न्यूमेरिकली यूज करते हैं, ऐसा यूनिट डिराइव करते हैं ना, जैसे मिनी क्यूब. की क्यूब क्या क्या होता है? बेसिकली हम जो हमारी 3D इमेजेस होती हैं, 3 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं, उसमें निकालते हैं हम वॉल्यूम. ठीक है. तो वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं किसी लिक्विड का सॉल्यूशन का? मेजर बाय यूजिंग द एक सिलेंडर कर लिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कर दिया, है ना. तो ये क्या होती है? वॉल्यूम को हम किसमें करते हैं? मीटर क्यूब में. ठीक है. अब बात करते मास हैं डेंसिटी की. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता ऑफ है? यस, मास ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, उसे बोलते हैं डेंसिटी. और सिंबल क्या होता है हमारी डेंसिटी का? दैट इज रो. ऐसे बोलते ना, रो होता है ना, रो, है यस ना. मैम. हाँ. तो इस और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मैम मीटर पर क्यूब. पर, है ना, क्योंकि मास की किलोग्राम वॉल्यूम की मीटर क्यूब. तो डेंसिटी की क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. बेसिकली जब हम डेंसिटी ना कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जो हमारी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं. इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी. क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी. अब नेक्स्ट चीज आती है मेरा टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की, जो बताता है अबाउट द डिग्री ऑफ हीट. ठीक है ना. डिग्री यस ऑफ मैम. हीट ना और कोल्ड को, वो भी उसे बोलेंगे हम टेम्परेचर. क्या बोलेंगे? टेम्परेचर. और टेम्परेचर. कौन कौन से होते हैं? कैल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट.
फ़ारेनहाइट है ना। दो दो स्केल क्या होते हैं, ये हमारे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, 9.5 9 डी प्लस बाय 5 32। डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऐसे निकालते हैं ना फ़ारेनहाइट में, है ना। अगर हमको कैल्विन में देखना हो, और कैल्विन में निकालना हो तो क्या करते हैं, हमारा डिग्री डिग्री सेल्सियस सेल्सियस 273.15। 3.15, या फिर क्या हो, अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो क्या हो गया, कैल्विन एम इसमें। केल्विन माइनस 273.15। सिंपल, ये दो चीज होती है हमारी फ़ारेनहाइट और कैल्विन में निकालने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आते हैं मेरे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। फर्स्ट लॉ क्या था मेरा, फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नहीं, लॉ कंजर्वेशन कर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लिया। मास। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता था मेरा, जो मैटर है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते थे ना ही डिस्ट्रॉय, है ना। और ये किसने दिया था, ये मेरा लॉ किसने दिया था, 1789 में एंथनी लेवोजियर ने, है ना, एंथोनी लेवोजियर ने, है ना, 1789 में। ये क्या होता है, ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मैटर है नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज। जैसे हम क्या करना है, अगर हम क्या करें, मीथेन गैस ने उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करे तो क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, CO2 बनेगा और 2H2O बनेगा। अब देखो, कार्बन कार्बन, है ना, हाइड्रोजन के फोर, ऑक्सीजन के फोर, ऑक्सीजन के फोर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या हो गया, हमारा जो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, वो क्या बना रहे हैं मेरे, प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या हो गया, देर इज, यहाँ पर क्या हो गया, ना तो कुछ क्रिएट हुआ ना कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, है ना। एग्जैक्टली हमारा जो क्या है, रिएक्टेंट है वो इक्वल टू द प्रोडक्ट, है ना। जब इनके मास लेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्या था मेरा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्या था मेरा लॉ, लॉ ऑफ नेक्स्ट मल्टीपल कॉन्स्टेंट कंपोजिशन और लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, मैंने एग्जांपल मैम बताया था एक बहुत था, एप्रियल केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सम और एलिमेंट कंबाइंड ये दिया किसने था पहले, ये टू बताओ, जोसेफ इंडस्ट्री। इसमें क्राउस, है ना। डेसिमेशन 1799। वेरी गुड, 1799 में जोसेफ क्राउस ने दिया था। उन्होंने क्या किया था कि को कंपाउंड लेंगे वो कहीं से भी ले लो, वो बाय वेट हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। जैसे हमने वाटर ले लिया, है ना, वाटर ले लिया, चाहे तुम वाटर टैप वाटर ले लो, चाहे रिवर वाटर ले लो, कैंटाली का वाटर ले लो, चाहे कहीं का ले लो, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रहेगा, है ना। तो ये कहता था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, एक तो कहता था, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट क्या लॉ ऑफ था, मल्टीपल लॉ प्रोपोर्शन। ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा था भैया, मैम जो मैंने दिया डेल्टन ने दिया था था, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने के ये लिए, दिया किसने सुना, लॉ ऑफ जो मल्टीपल हंड्रेड डाल्टन ने दिया था एट 1806 हंड्रेड में। डिग्री इस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो मास होता है एक एलिमेंट का जो कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। लाइक जैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैंने नाइट्रोजन ले लिया फिक्स प्रोपोर्शन में, और ऑक्सीजन की मैंने डिफरेंट कंपाउंड ले लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन का तो फिक्स कंपाउंड हो गया, लेकिन जब इनकी जो अदर का कंपाउंड से, सॉरी, अदर एलिमेंट की जब रेशियो निकाले थे, वो क्या हो जाएंगे, ऑलवेज इन इन होल रेशियो, है ना, मैम। हमेशा होल रेशियो पे रहेंगे। ये था मेरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब फोर्थ क्या था मेरा,
रेसिप्रोकल। हाँ एम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा था भाई? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा था कि हमारा क्या होगा जब हम थ्री कंपाउंड्स लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे CO2 ले लिया और यहाँ पे मैंने CH4 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने H2O ले लिया, है ना? तो क्या होगा अगर मैं एक एलिमेंट को क्या कर दूं, एक एलिमेंट का रेशियो क्या कर दूं, का मास फिक्स कर दूं, और जो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो या तो इसके मल्टीपल होंगे या फिर क्या होगा इसके बराबर होगा, ठीक है ना? या तो इसका मल्टीपल होगा, उस रेशियो के मल्टीपल होंगे, या फिर क्या होगा उनके बराबर होगा, उसके रेशियो के बराबर होगा। ये कहा था लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट क्या था? गे लुसेक्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ में क्या था? गे लुसेक्स लॉ पे था हमारा गैसियस गैसियस वॉल्यूम के बारे में था, हमारी गैसों का था। सिर्फ हमारी किस पे अप्लाई हो रहा था? हमारे गे लुसेक्स लॉ गैसेस पे, ठीक है? किस पर अप्लाई हुआ था? गैसेस पे। किसने दिया था? 1808 में गे लुसेक ने दिया था। गे लुसेक ने दिया था 1808। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने किया जब गैसेस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या करते हैं एक सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, और जो वॉल्यूम होगा सारी गैसेस का एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? सेम टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा मेरा? सारी गैसेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, क्या होगा? बोलो बोलो। कांस्टेंट। हाँ ठीक है। तो जैसे अगर मैंने क्या ले लिया 1000 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन करूंगी मैं किसके साथ, विद 500 ml ऑफ O2, तो उसमें क्या बनेगा, जो गैस बनेगी वो क्या देगा 1000 ml ऑफ H2O के वेपर्स मिलेंगे, ठीक है? इसने क्या किया, जब गैसेस को कंबाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन में तो कंबाइन होते हैं सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम जो हमने प्रोवाइड किया था गैसेस का एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है? हाँ मैम व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है। उत्तरी। इतनी देर से किसको पढ़ाई थी फिर मैं? आपने व्हाइट बोर्ड किया था? वाह मैं व्हाइट बोर्ड ही चलती, मैं मैंने कितनी ग्यारह ट्राई सोच चुकी है और किसी ने कुछ नहीं कहा है। ये देखो मैं देखो ये देखो ये देखो ये देखो अरे मैं भी भूल गई और तुम भी भूल गए, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, रिवाइज तो हो गया ना। हाँ तो गे-लुसेक्स ने बोल दिया था कि ये होता है, पहला क्या था कि ये गैसेस पे अप्लाई होगा और क्या होगा हमारा सेम टेम्परेचर और प्रेशर के, ठीक है? नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट कौन सा लॉ था? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा था? एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा था? मैम, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। यस। तो इसमें क्या हो गया कि हमारा क्या था, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। एवोगैड्रो ने क्या किया था, एक डिस्टिंक्शन दिया था बिटवीन द एटम और मॉलिक्यूल में, वो क्या होंगे क्वाइट अनस्टेबल हो गए इन द प्रेजेंट टाइम, उसके टाइम में, उस टाइम में लाइक मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, एटम क्या है, तो बहुत अच्छे से समझ आ गया इस लॉ के थ्रू, ठीक है ना? अब दिख रहा है, इसमें ठीक है? हाँ तो एवोगैड्रो ने क्या क्या किया, तो ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया हमारा,
इन्होंने इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड दे शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो अच्छा हमारा क्या था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारा वॉल्यूम क्या था, एक स्टैंडर्ड कितना था 22.4 लीटर फॉर ऑल द गैसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है मेरी डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम, है ना, डाल्टन थ्योरी ऑफ ऑफ एटम। अब डाल्टन थ्योरी क्या बोलती है, जॉन डाल्टन ने फेमस थ्योरी दी थी एटम के बारे में 1803 में। उनके मेन पोस्टुलेट क्या थे, पहला था कि जो एटम है वो क्या है, एटम इज स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल। एंड उन्होंने बोला सबसे पहले दैट एटम के बारे में कि एटम नाम की भी कोई चीज होती है, एटम इज कंसिडर्ड एज एन हार्ड डेंस एंड द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। और दूसरा क्या था उनका, जो हर एक एलिमेंट था, ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल काइंड ऑफ एटम, मीन्स जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है इनके क्या होंगे, एटम सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। लेकिन ये भी गलत हो गया। और जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की डिफर करेंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंटेनिंग दैम। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, नेक्स्ट उनकी थ्योरी प्रोवाइड कर दी थी सेटिस्फेक्शन बेसिस ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लाइक हमारा जो मास है नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब उनकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन क्या थी, जो फर्स्ट वाला उन्होंने एटम बोला था कि एटम की डिफरेंट काइंड का क्यों नहीं हो सकता, लेकिन जब क्योंकि क्या होता है हमारा एटम, एटम हमारे तीन चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाई उनका फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो क्या कर दी, डिनाई कर दी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट उनकी देख वो आइसोबार, आइसोबार एंड आइसोटोप के बारे में बताने में क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जब सेम एलिमेंट ले गए तो उनके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मास हो सकते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं आइसोटोप्स में, है ना। और क्या हो गया, और उन्होंने एक और टाइप के लिए एटम जिसमें क्या हो गया, सेम एटॉमिक मास होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, जैसे आइसोबार, ठीक है, जब आगे डिस्कवरी करी तो ये भी हमारी क्या हो गई, उन्होंने नहीं दे पाए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस एक्सरे भी होते हैं, ये सब चीजें भी होती थी, तो हमारा क्या हो गया, जो एटम था नो मोर इंडिविजुअल पार्टिकल रहा, एलिमेंट रहा, तो क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मैटर का, लेकिन उसके भी क्या होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है एटम, एटम किसे बोलते हैं, लाइक हर एक एलिमेंट जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनता है उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम को क्या बोल सकते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं एटम ऑफ द मास लाइक नॉट टू बी कट, जिसको क्या कर सकते हैं, नॉट टू बी कट एटम को बोलते हैं, ठीक है। एटम इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक एटम मींस नॉट टू बी कट। अब है हमारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है बच्चा, जो एटॉमिक मास बताता है कि जो हमारा कोई भी एलिमेंट है वो डिफाइन करेगा नंबर विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स बाय द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, है ना, कार्बन 12 दैट इज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास की एसआई यूनिट क्या थी, यू या फिर एएमयू, यू फॉर यूनिफाइड मास एंड दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 1.72 × 10⁻²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 ⁻·· नहीं, मैं
क्या हुआ, बुल बुली ना? नहीं मैम, मैं कंफ्यूज थी मैम, ये हाँ? मैम एवरेज एटॉमिक मास वाले क्या हो गया एवरेज एटॉमिक मास में? अरे वो ही वाला तो मैम। है एवरेज एटॉमिक मास, जिसमें हम जब हमारे आइसोटोप्स डिफरेंट अबंडेंस होती थी एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तभी तो हम कार्बन 12 का यस कितना यस देखते मैम, हैं, याद आ यस गया? मैम, यस मैम, यस मैम। इसीलिए तो रिवाइज करा रही हूँ, कल टेस्ट है तुम्हारा। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास जो नेचुरली अकरिंग हमारे आइसोटोप्स हैं कोई भी एलिमेंट की, ठीक है ना, तो उसमें निकालते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। जैसे हमने क्या निकाल दिया, जैसे हमने क्या ले दिया, जैसे किसका दे रखा था मैंने, क्लोरीन का 35 और क्लोरीन 37 दे रखा था, है ना, उसकी मैंने क्या बोली थी 3:1 में दे रखा है, तो 3 को 5 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो ये मेरे क्या हो जाएगा 35.5, मेरा क्या आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 AMU, ऐसे तो लिखते हैं, है ना, मास ऑफ यस वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 AMU, दैट इज कॉल्ड मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम? एवरेज मॉलिक्यूलर मास टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा दे रखा है कि मेरे दे रखे हैं N1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, N1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल विद मॉलिक्यूलर मास M1, और N2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल विद मास M2। तो टोटल मास क्या होगा उसके बारे में, लाइक एवरेज या टोटल मास, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ये याद कर लेगा। ठीक है, ये किसमें है, जब हमें टोटल एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो। ठीक है, अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास हम किसमें निकालते थे, जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते थे, है ना, जैसे यस हमारा हो मैम, गया NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जिसमें आयन की फॉर्म में होता था उसमें हम हमेशा फॉर्मूला यूनिट मास निकालते थे। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एलिमेंट इन इन ग्राम्स, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे करते हैं, हमारा वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मोल कॉन्सेप्ट की। वन मोल किसके बराबर होता है? 6.023 पावर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एटम या फिर एटम पर मोल, ऐसे तो लिखते थे, है ना। और थ्री मोलर मास मैम क्या होता है? मोलर मास क्या होता है, लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, वो होता है हमारा मोलर मास। और मोलर मास का यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल या फिर किलोग्राम पर मोल, ऐसे तो निकालते थे मोलर मास, है यस ना। मैम, और मोलर वॉल्यूम, जैसे मेरे को 1 मोल ऑफ गैस दे रखा है STP, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 ATM एंड 273 केल्विन, है ना, कंटेन यस मैम, हाउ मच मॉलिक्यूल, 6.023 × 10^23, है ना, यस ऐसे तो निकल गया मेरा, अगर वॉल्यूम का दे रखा हो तो। अब मैम, हाँ अब मेरी बताई थी मैंने मोल्स कैसे करने हैं, मोल्स कैसे निकालना है। मोल्स मेरे 3 फॉर्म में थे, लाइक मेरे को दे रखा है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मेरा क्या होता था, बोलो बोलो, एक होता था गिवन वेट डिवाइडेड बाय हमारा, बोलो भाई,
मोलर मास बिटिया जी, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया था। ठीक है, एक जैसे मेरा क्या दे रखा है, 44 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है, तो 44 ग्राम टोटल वेट हो जाएगा गिवन वेट, और CO2 का मोलर मास 44, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, 1। ऐसे जब गिवन वेट दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये बताया था। अब अगर हमारा वॉल्यूम की फॉर्म में हो तो मेरा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो वॉल्यूम की जाएगा, फॉर्म हाँ लाइक नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, एन ए होता था ना, एन ए, या कितनी? फिर 6.023 × 10^23 कराया था ना, भूल गए बड़ी जल्दी। अब पार्टिकल, पार्टिकल या मॉलिक्यूल दे रखा हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए, और जो मेरा वॉल्यूम हो एन ए की जगह सॉरी 22.4 लीटर, जो हमारा गैस का था। ठीक है, लाइक वेट ऑफ द, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, यहाँ पे पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल का वेट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो हमारे पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, और क्या बताया था मैंने, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट बताया था। ठीक है, परसेंटेज कैसे इसमें निकालने हैं, लाइक मास परसेंट निकालना हो एक एलिमेंट का, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं, लाइक मास मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, इनटू में 100, मोलर मास ऑफ हाँ इनटू में 100 है इसमें ना ऐसे तो निकालते थे, लाइक मास इसमें परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या डिफरेंस था, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बता था, लाइक मैम सिंपलेस्ट एम्पिरिकल सिंपलेस्ट वो नंबर रेशियो देता था, और जैसे एग्जैक्टली मेरा C6H12O6, इसका सिंपलेस्ट क्या है, C H2O है ना, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो यस एम्पिरिकल मैम फॉर्मूला क्या होता है, दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, वो था एम्पिरिकल फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मैम कंपाउंड, उसे बोलते थे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और कैसे निकालते थे, लाइक हमको दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कैसे देते थे, n into एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और ये n कैसे इसमें निकलता था, n कैसे निकलता था, लाइक मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, है ना, इससे हमारा n निकलता था। ये दो फॉर्मूले थे मेरे। ठीक है, और मोलर मास क्या होता है मेरा, एक और बात, मोलर मास होता था 2 × वेपर डेंसिटी, ये भी बताया था, मैम ये बताया था, राइट। चलो यस मैम अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट थी मेरी स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोशियोमेट्री क्या थी, इट मीन्स द क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन. हाँ, यू कैन से दैट कि जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसी को हम स्टोशियोमेट्री होती है, और स्टोशियोमेट्री में हमारे कुछ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो कितने हैं हमारे, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती हैं उनमें होते हैं हमारे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हमारी किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं, है ना, जैसे CaCO3, इसमें से CaO और क्या निकला, CO2, तो क्या ये बैलेंस है, बैलेंस है, देखो कार्बन कार्बन दो, हाँ ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम, CO3 CO3, हाँ ये तो बैलेंस है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्या कह रहा है कि वन वन मोल CaCO3 कितना देता है कार्बन, कितना कितना दे रहा है हमारा लाइन, 1 मोल ही दे रहा है ना, तो इसीलिए अगर 100 ग्राम CaCO3 है तो उसके लिए CaCO3 कितना लगेगा हमारा,
100 ही लगेगा ना, मान लो इसकी दे रखी इसमें है तो इसकी जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.56 इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। और दे रखा है कि इसमें 5 ग्राम ऑफ CO3, तो इनटू 5 ग्राम निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगी मेरी CO3 की इस क्वेश्चन में। ये चीज बताई थी। चलो यस मैम, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं इसी से, स्टोइकोमेट्री ना, लाइक ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरे स्टोइकोमेट्री से आते हैं। 2 मिनट क्वेश्चन है मेरा, लाइक फाइंड आउट द मास ऑफ ओ टू, मास ऑफ ओ टू ऑब्टेन्ड फ्रॉम 90 kg ऑफ वाटर। तो मुझे बताओगे इसका आंसर। फाइंड आउट द मास ऑफ ओ टू ऑब्टेन्ड फ्रॉम 90 kg ऑफ वाटर। बोलो बोलो, नहीं हुआ क्या, कराऊं? 80 वेरी गुड, मैम, 80 किलो। यस वेरी गुड। तो मेरी क्या थी, लाइक मास ऑफ ऑक्सीजन बनाना था जो ऑब्टेन हुआ था 90 ग्राम H2O। अब H2O से मेरा क्या बनता है, लाइक क्या मेरा बना, हाइड्रोजन बना और ऑक्सीजन बना। अब यहाँ पे तो O2 है, तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 करूँ तो ये भी 2 करनी पड़ेगी, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि 2 मोल ऑफ H2O गिव्स कितने मोल ऑफ O2, 1 मोल, 1 मोल। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमारा वाटर क्या क्या होता है, लाइक 2 मोल ऑफ H2O गिव्स 1 मोल ऑफ O2, तो इसीलिए 2 मोल। अब वाइट आउट इसका वेट क्या होता है हमारा, 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ H2O गिव्स कितना कितना मोल, मीन्स 32 ग्राम ऑफ, अब वो रिएक्शन से, तो इसीलिए जब हम 1 kg ऑफ H2O निकाले तो मेरा क्या होगा, 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 18। तो अगर मैं वेट कितना दे रखा है 90 kg, तो 90 का kg कैसे करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 18 इंटू टू इंटू में कर देंगे 90, 93 90 है, तो से हमारा 16 16 साइज 18, तो 18 किलोग्राम ऑफ O2। सिंपल है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे, यस ठीक है। मैम, हाँ ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, क्या होती है, लाइक PV इज इक्वल टू nRT, एनर्जी, ना होती है ना। और आर क्या होता है यस मेरा, मैम, आर की वैल्यू भी बताई थी, 8.314 जूल पर मोल पर कैल्विन, यही तो बताई थी, है यस ना। मैम, ये सब तो आप लोगों को बहुत यस अच्छे से पता है, पीवी वाली। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं,
लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? मैम द कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन. बिल्कुल, जो हमारे केमिकल सब्सटेंस में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं वो सब्सटेंस क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. और एक्सेस रिएजेंट जो क्या होते हैं? विच नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, उन्हें बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट. जो एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं? द रिएक्शन प्रेजेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट. अगर हम कार्बन को, इफ वी बर्न कार्बन इन एयर, देन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग प्रोड्यूस्ड देन विल बी गवर्न बाय द अमाउंट ऑफ कार्बन टेकन इन केस. कार्बन क्या हो जाएगा हमारा? जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन को बर्न किया किसमें? इन एयर. जिसमें क्या होता है? एक इनडेफिनेट सप्लाई है वॉल्यूम की. वॉल्यूम किसकी? ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है ना, कार्बन हमने डेफिनेट प्रोपोर्शन में लिया. तो यहाँ पर मेरा कार्बन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, है ना, कि कार्बन की सप्लाई कम है. ये तो मेरा एक्सेस में है, ये तो मेरा एक्सेस में है ना. तो ये क्या हो गया? ये मेरा एक्सेस रिएजेंट हो गया और कार्बन मेरा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. समझ आया, है ना? यस मैम. हाँ. अब नेक्स्ट होता है, अब अगर मेरे को परसेंटेज यील्ड निकालना हो, परसेंटेज यील्ड क्या होता है? जो हमको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन इज लेस देन द अमाउंट प्रेडिक्टेड बाय द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन. जैसे मैंने निकाला है कि मेरे को एक्चुअल में जितना चाहिए था उतना तो नहीं मिला, लेकिन उसकी क्या थी? अरे जैसे हमने क्या किया, वो केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, हमको जितना प्रेडिक्ट किया था उतना नहीं मिला जितना थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में लगा था, ठीक है ना. वो होता है हमारा परसेंटेज यील्ड. तो यह निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं हमारा एक्चुअल यील्ड परसेंटेज, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय हमारा थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. जैसे जैसे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को, लिखो फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन CaO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, ट्वाइस ऑफ HCl गिव CaCl2 प्लस H2O, ठीक है. अब इसमें क्या है कि 1.12 ग्राम ऑफ CaO इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड एंड 1.85 ग्राम CaCl2, CaCl2 इज फॉर्म्ड, ठीक है. तो नेक्स्ट है, व्हाट इज द यील्ड परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का यील्ड परसेंटेज कितना हुआ? देखो इस क्वेश्चन में मेरा क्या बना, CaO ट्वाइस HCl CaCl2, इसमें जो 1.12 CaO है वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ HCl, और 1.85 मेरा क्या दे रखा है CaCl2 फॉर्म हो रहा है, तो यील्ड परसेंटेज निकालना है. तो इसमें क्या है, पहले मेरा CaO कितना है, CaO का मोलर मास कितना होता है? 56 ग्राम, 56 ग्राम ऑफ CaO
कितना प्रोड्यूस कर देता है हमारा सी एस सी एल टू, लाइक 1 1 1, ये इसका मोलर मास होता है, इसीलिए तो 1 1 2 1 1 2 1.12 CaO कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 1 डिवाइडेड बाय 56 इनटू में लाइक दिस लाइक 1 1 1.12 है ना। जब इसको निकालेंगे, जब इसको करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा लाइक 2.22 ग्राम, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा थ्योरेटिकल परसेंटेज आया, थ्योरेटिकल यील्ड परसेंट, और एक्चुअल में दे कितना रखा है मेरा CaO का 1.85। तो हम कैसे निकाल देंगे, हम एक्चुअल में था कितना परसेंटेज और परसेंटेज यील्ड निकालेंगे, तो डीआर कितना हुआ है 1.8, है कितना थ्योरेटिकल कितना है मेरा 2.22 इनटू में कर देंगे 100, तो परसेंटेज नहीं निकालेगी 83.33 का, ये हो जाएगा मेरा यील्ड परसेंट, ठीक है। यस मैम, तो मेरा ऑलरेडी लेकिन सारा हो गया है, बस ये आई थिंक सॉल्वेंट और सॉल्यूट रह गया, ठीक है। मोलैरिटी मोलैलिटी ये अच्छे से कर लेना, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन आएंगे मोलैरिटी मोलैलिटी और लिमिटिंग रिएजेंट से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन से आने की, ठीक है ना। तो इन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से कर लेना, तुम लोग कर लोगे? यस मैम, पक्का प्रॉमिस? मैम पक्का प्रॉमिस। कहते मैम कहते बच्चों की तरफ उसके पक्का प्रॉमिस। एक्चुअली मेरा बीबी कहता है मुझसे, मम्मा पक्का प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ पक्का प्रॉमिस, ठीक है। यस मैम पक्का प्रॉमिस, क्योंकि आप लोग भी मेरे बच्चे हो भाई, मेरे बहुत सारे बच्चे।